सर क्या सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 एम सेल्फ स्टडी से निकाला जा सकता है आखिरी के ढाई से तीन महीने में? जैसा कि आपको पता है आखिरी के ढाई से तीन महीने हैं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं कैसे करूं। एक तरफ हो रहा है कि अटेम्प्ट स्किप कर दूं और दूसरी तरफ मेरा सपना है इस दिसंबर 2023 अटेम्प्ट में 300 प्लस नंबर लाने। आप ही बताइए क्या करूं। तो बेटा देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, 100% पॉसिबल है सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 अटेम्प्ट में मोर देन 300 प्लस मार्क्स लाना। बट उसके लिए जरूरी है वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ ही साथ जो वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाएंगे ना उसको नोट डाउन जरूर करना। वीडियो लंबी रहने वाली है तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जो जो पॉइंट बताए जाएंगे उन्हें नोट डाउन जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी प्लान फॉर सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। अब बेटा आपको पता है क्या, आपको पता है कि आखिरी के ढाई से तीन महीने हैं, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आसान है, हर कोई बच्चा कर लेगा। हर कोई बच्चा नहीं करेगा, हर कोई बच्चा तो वीडियो एंड तक भी नहीं देख पाएगा, ठीक है जी। अब आसान तो नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, एक राइट स्ट्रेटजी लगेगी, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंटेशन लगेगी। तो चलो देखते हैं। अब देखिए आपको पता है आपके चार सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, लॉ, बीसीआर, मैथ्स, चेट सलार, इको बीसी के। हर कोई सब्जेक्ट 100 नंबर का है जिसमें अकाउंट्स और लॉ बीसीआर मेरे सब्जेक्टिव पेपर हैं और बाकी के दो मेरे ऑब्जेक्टिव पेपर हैं। हर एक में मेरे को मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट मेरे को चाहिए होता है 200 मार्क्स का, यानी कि मेरे को मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स ईच चाहिए अगर मेरे को एग्रीगेट बनाना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, हमें अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को बाद के लिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय कम है, ठीक है जी। अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनको जरूर नोट करना है हर एक बच्चे को, वरना आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप नोट नहीं करेंगे और आप ऐसी वीडियो देख के चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है बेटा। नोट करिए, इंप्लीमेंट करिए, तभी बात बनेगी। सबसे पहली बात, सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़े। आपको कोई लोग गाइड करते हैं एक दिन में तीन करो, चार करो, वीकेंड पे अलग सब्जेक्ट करो, वीकडेज पे अलग करो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको एक दिन में दो सब्जेक्ट, अ डे की स्ट्रेटजी अपनानी है जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। एक थ्योरी सब्जेक्ट उठाइए, प्रैक्टिकल उठाइए, बस इतना करिए। अगर भरोसा करते हो तो एक दिन में दो सब्जेक्ट बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छे से टाइम पे सिलेबस कवर हो पाएगा, सारी चीज़ें हो पाएंगी। सबसे पहले आपकी इस बात का जवाब कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट करने हैं, दो सब्जेक्ट से ज़्यादा मत करना, चाहे आप स्टार्टिंग कर रहे हो, चाहे आप रिवाइज कर रहे हो, चाहे आप एंड में हो, सारा सब्जेक्ट हो चुका है, सिलेबस हो चुका है, सिर्फ दो सब्जेक्ट छठे। उसके अलावा प्रिपेयर अ शेड्यूल, आपको शेड्यूल बनाने हैं बट नॉट ऑन टाइम बेसिस। मतलब सर बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम बेसिस पे शेड्यूल बनाते हैं, मैं 8 से 9 ये करूंगा, 9 से 9:30 ये करूंगा, 10 से 11 ये करूंगा, ऐसा नहीं करना है। उसके अंदर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, मम्मी ने काम दे दिया, पापा ने काम दे दिया, शेड्यूल बिगड़ गया, फिर हमसे पढ़ाई नहीं होती, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें टाइम बेसिस पे नहीं बनाना, हमें टारगेट बेसिस पे शेड्यूल बनाना है। मेरे को कल क्या करना है वो मैं आज सोच के सोऊंगा कि मेरे को कल क्या करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को रेक्टिफिकेशन वगैरह के 15 क्वेश्चन करने हैं, लॉ के अंदर मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 15 क्वेश्चन राइटिंग में प्रैक्टिस करने हैं, कि मैंने आज सोच के सोया कि मेरे को कल क्या करना है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, आज सवेरे उठ के सोचेंगे क्या कि मेरे को आज क्या करना है, जिसके अंदर 1-1.5 घंटा वैसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो रात को सोने से पहले डिसाइड करिए कि कल क्या पढ़ना है। इसके अलावा वीकली और मंथली प्लान तैयार रखिए कि मेरे को इस महीने का क्या टारगेट है, इस वीक का क्या टारगेट है, इस तरीके से। फिर ये जर्नल क्या है, क्या हमें जर्नल एंट्री करनी है, अकाउंट्स पे कहाँ से आ गए? नहीं नहीं बेटा, जर्नल का मतलब है, जर्नल का मतलब क्या होता है, एंट्री को रिकॉर्ड करना है ना। तो आपको भी अपनी सारी की सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, मतलब आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसके अंदर आपने आज का क्या टारगेट सोचा था, डिजायर्ड एंड अचीव्ड, कितना टारगेट अचीव हुआ, ये सारा का सारा मेंटेन करना है। इससे आप अपनी पोजीशन को, अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पे जज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। इसे लिख लो और हाथ के हाथ इंप्लीमेंट करना चालू कर देना आज से ही। रजिस्टर मेंटेन कर लो, एक कॉपी मेंटेन कर लो जिसके अंदर आपकी रेगुलर बेसिस पे सारी की सारी चीज़ें मेंटेन रहेंगी। इसके अलावा बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो पूरा का पूरा टाइम ना कंसेप्ट समझने को दे देते हैं। वो समझते हैं कि यार मेरे को सामने वाले टीचर पढ़ा रहे हैं, मेरे को समझ आ रहा है, मेरा हो गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप अगर एक दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम 4-5 बार आप लेक्चर को दीजिए, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अपने हाथ से, अपने दिमाग से। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप थ्योरी सब्जेक्ट कर रहे हैं चाहे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम 50% टाइम आपका लेक्चर समझने को, बाकी 50% टाइम आपका क्वेश्चन करने में, प्रैक्टिस करने में यहाँ पर जाना चाहिए। अगर आप 10 से 12 घंटे ही पूरे कंसेप्ट समझने में दे रहे हो देन यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। उसके अलावा बेटा एटलीस्ट 10 से 12 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, और ये 10 से 12 घंटे मजाक मस्ती वाले नहीं होंगे, ये बहुत ज़्यादा फोकस स्टडी होगी। यहाँ पर आप ब्रेक्स ले सकते हैं, ब्रेक्स बना सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक भी ज़रूरी है, खैर यहाँ पर ब्रेक्स मस्ट है। आप क्या करिए, अपना स्केड्यूल इस तरीके से बनाइए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जल्दी उठ जाते हैं, आप जल्दी उठ जाते हैं, मैं मानता हूँ 5 बजे उठ गए, सिर्फ एग्जाम्पल है, तो आप 6 बजे तक एक बार पढ़ने बैठ जाइए और 6 से 9 का एक आपने पढ़ाई कर ली, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। उसके बाद 9 से 10 का ब्रेक ले लिया, 10 बजे बैठे, 10 से 1 की पढ़ाई कर ली, ऐसे 3-3 घंटे के, 3.5 घंटे का के आप अपनी
क्या करिए, स्ट्रेच लीजिए, पढ़ाई करिए, और इसके अंदर ये इस बात का ध्यान रखिए कि किस समय घर के अंदर शांति रहेगी, आपके जो जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपको पता है शाम को 7 से 8 बजे के बीच घर में चहल पहल रहती है, पापा आते हैं, भाई आता है ऑफिस से, तो उस समय आप अपना ब्रेक रखिए ताकि उस ब्रेक के समय ही आपको जो घर वाले काम देते हैं वो आप कर पाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपना प्लान कर सकते हैं, अपनी टाइम सेट कर सकते हैं, अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं। अप्लाई 80-20 प्रिंसिपल्स सुना तो सबने है बट अप्लाई बहुत कम करते हैं। क्या अब आपको पता है बेटा 20% मेहनत के साथ हम 80% फल लेते हैं और 80% मेहनत के साथ 20% फल, तो क्यों ना अब 20% मेहनत के साथ पहले 80% फल ले लिया जाए और आज 80% नंबर ले लिए जाए। मतलब सर, अब बेटा आपसे मैं पूछूं कि जो आपके 12th के अंदर आपने स्टडी करी थी, 11th में या 10th में स्टडी करी थी, पेपर के से पहले के एक हफ्ता में हटा दूं पढ़ाई का तो क्या नंबर आते, और वो एक हफ्ते को जोड़ दिया जाए तो क्या नंबर आए? तो देयर इज अ वेरी ह्यूज गैप। क्यों? पेपर से एक दिन पहले और एक हफ्ते पहले जो आप पढ़ाई कर रहे थे वो आप एक महीने पहले नहीं कर रहे थे, एक महीने पहले जो पढ़ाई कर रहे थे वो एक साल पहले पढ़ाई नहीं कर रहे थे। बेसिकली आखिरी टाइम पे हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है। तो आपको 80-20 प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि कम मेहनत में ज़्यादा फल। आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को बात के लिए छोड़ देना है क्योंकि टाइम कम है। ये होता है 80-20 प्रिंसिपल। मैंने इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक्स हैं अभी जो आपको सबसे पहले करने हैं वो भी आपके लिए आगे लिखे हैं, वो आप उन्हें पहले करिएगा, उसके बाद बाकी टॉपिक्स पे आइएगा। तो 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करना है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ना है। हर एक बच्चे के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे क्या नहीं करना है ये उसे पता होना चाहिए। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपकी मैथ्स वीक है तो आपको फोकस नहीं करना है मैथ्स में, आपको क्या करना है उसके अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप छोड़ के जा सकते हैं। इट इज 80-20 प्रिंसिपल। ठीक है जी, हम भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसी वजह से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन वीकनेस, इसका मतलब क्या है? जो मेरी स्ट्रेंथ है उसमें मुझे फोकस करना है और वीकनेस पे वर्क करना है। अब बेटा मैं ये मानता हूँ कि हर एक बच्चे के चारों सब्जेक्ट वीक नहीं होते, मैक्सिमम एक या फिर दो सब्जेक्ट वीक हो सकता है किसी बच्चे का। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है उसकी लॉ VCR वीक है और मैथ्स SLR वीक है, मैक्सिमम बच्चों का भी यही केस रहता है। तो बेटा आपकी अकाउंट्स और ECO VC के तो ठीक है, तो आप ट्राई करिए ना कि अकाउंट्स में आपके 90 नंबर आए, आपके ECO VC के में 90 नंबर आए। 90 का ट्राई करोगे 80 तो आएंगे, मैंने माना 80-80 आ गए यहाँ पर। ठीक है जी, आपने लॉ VCR में मेहनत करी, मैथ्स SLR में मेहनत करी, 50-50 हाँ हो गए। तो अब देखो जरा लॉ VCR और मैथ्स SLR जब मेरी वीक है तब मैं 260 नंबर बना पा रहा हूँ आखिरी के 2.5 से 3 महीने में। 300 भी करे जा सकते हैं अगर आप यहाँ पर 90-90 ले आते, यहाँ पर 55-60 ले आते तो बताओ। तो इस तरीके से आपको फोकस करना है स्ट्रेंथ पे और वर्क करना है वीकनेस पे। मतलब बच्चे क्या करते हैं कई बार कि जो उनकी वीकनेस है, फॉर एग्जांपल मैथ्स मेरी वीकनेस है तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान दे दिया मैथ्स में कि मैथ्स में जितने नंबर आए ना मेरे, फॉर एग्जांपल मैथ्स में 60 नंबर आए और उतने ही नंबर अकाउंट्स में आए, तो बेटा फायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ थी ना उस पर थोड़ी और मेहनत करते और उसके अंदर अच्छे नंबर लेके आने की कोशिश करते तो वो आपका एग्रीगेट बहुत अच्छा बना सकती थी। तो इस बात को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है और फोकस करना है आपको स्ट्रेंथ पे, वर्क करना है बट साथ साथ वीकनेस पे, जो वीकनेस है जो वीक सब्जेक्ट है उसके टेस्ट देते रहना है। रेगुलर रिवीजन एंड टेस्ट इज मस्ट। आपको पता है टाइम कम है तो मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे यार टेस्ट दूंगा रिवीजन करूंगा ना टाइम वेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप एक दिन का 20% टाइम अपने टेस्ट और रिवीजन पे नहीं दे रहे हो देन यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, आप गलत कर रहे हो बिल्कुल। इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना पास नहीं हो सकते, आपको टेस्ट और रिवीजन जरूर करना है। इसके अलावा वीकली टेस्ट वीकली रिवीजन जरूर करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, यू आर इन अ गुड डायरेक्शन। अब मैंने कहा था मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। अब अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स के अंदर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब्सिडियरी बेसिक टॉपिक है, ये करने ही करने पड़ते हैं। ठीक है ना, इसके बिना आगे के चैप्टर समझ नहीं आते इसलिए लिखे हैं, वरना जर्नल और सब्सिडियरी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, BRS, ये 11th 12th में पढ़े हुए टॉपिक हैं जनरली हर एक बच्चे ने, तो आराम से हो जाएंगे आपके और यहीं से 30 से 35 नंबर बन जाते हैं। उसके अलावा मॉड्यूल 2 में फाइनल अकाउंट्स, NPO, कंपनी पार्टनरशिप, ये टॉपिक कर लिया तो मोर देन 80 नंबर का पेपर आपने यहाँ पर कर लिया है। अब ज़्यादातर बच्चों को ना पार्टनरशिप में दिक्कत रहती है बट तब भी मैं मना करता हूँ उन्हें छोड़ने के लिए। मैंने बोलता हूँ कि भाई साहब पार्टनरशिप नहीं आती ना, बेसिक कंसेप्ट समझ लो उसका, बाई चांस क्वेश्चन बहुत आसान आ गया ना तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। हाँ जी, तो अकाउंट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी सीक्वेंस में करना है जिस सीक्वेंस में चैप्टर का नाम लिखा है। लॉ के अंदर बच्चे क्या करते हैं, लॉ के अंदर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो BCR पे ध्यान ही नहीं देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, BCR पे प्रॉपर ध्यान देना है। लॉ के अंदर समय कम है इसलिए मैं आपको गाइड करूंगा कि आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से चालू कर सकते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, देन LLP, देन पार्टनरशिप, देन कंपनी, ये चार चैप्टर करें, 30 से 35 नंबर के आराम से आ जाते हैं, आराम से और आसान है करना इन्हें एज कम्पेयर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये चार चैप्टर बहुत अच्छे से करिए, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है लॉ में। इसके अलावा BCR बेसिक इंग्लिश है, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है ना तो BCR के पेपर में 30 से 35 नंबर लाए जा सकते हैं। सिर्फ फॉर्मेट्स को समझना है, फॉर्मेट्स को याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर देने हैं BCR में, 30 से 35 नंबर इसमें आए जा सकते हैं। तो अगर 30 नंबर यहाँ और 30 से 35 नंबर यहाँ एग्जम्पशन लाई जा सकती है लॉ BCR के पेपर में अगर आप इस तरीके से पढ़े तो, और विदाउट डूइंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किसी ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया तो 70-80 नंबर भी आ सकते हैं।
बट उसके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। मैथ्स स्टेट्स सलार आपका फोबिया है, आपको क्या करना है पहले स्टैट्स से चालू करना है। स्टैट्स के अंदर बच्चों को दिक्कत रहती है, फॉर्मूले बहुत सारे हैं सर, तो फॉर्मूले को आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के अपने रूम में चिपका देना है, तभी फॉर्मूले याद होंगे वरना नहीं होंगे। स्टैट्स में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी मैंने नहीं बोला है, सिर्फ ये चैप्टर कर लो मोर देन इनफ है। एलआर पूरा का पूरा करना है, चार चैप्टर हैं छोटे छोटे, 20 नंबर का पेपर आ जाता है यहाँ से। मैथ के अंदर रेशियो, प्रोपोर्शन, डेसिमल, लॉगरिथम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिर्फ ये दो चैप्टर कर लिए ना तो आराम से आप बेटा सिर्फ इन्हीं मैथ्स सेट्स एलआर के सिर्फ इन टॉपिक को करके आप आराम से 60 नंबर ला सकते हैं, 60 से 65 नंबर आराम से बिना किसी दिक्कत परेशानी के। इको बीसी के वैसे ज़्यादातर सब बच्चों को आसान लगती है, इको में चैप्टर सेकंड थर्ड फोर्थ करना है जो पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, और बीसी के में चैप्टर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करना है। इतना कर लो आराम से 300 नंबर भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। बट इस सीक्वेंस के अंदर और जो जो प्रिंसिपल बताए थे ना आपको, रजिस्टर मेंटेन करना, टेस्ट देना, ये सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके बिना नहीं बनेगा। मैं ये तो नहीं कहता बहुत ज़्यादा आसान है, बट अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो मेरे को लग रहा है कि आप इच्छुक हैं और डेफिनेटली यू आर एबल टू क्रैक दिस दिसंबर 2023 रैंक। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई हैं। इसके अलावा आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो सेल्फ स्टडी में आपको क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, उसके लिए आप पीपी बुक का यूज़ कर सकते हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। सेल्फ स्टडी किट आती है हमारी सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की 2700 की, जिसके अंदर आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाते हैं। जो आपको टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट चेक होकर मिलते हैं, वो आप सेल्फ स्टडी किट से कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहतरीन रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में गया है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना आप आईसीए मॉड्यूल से करेंगे तब भी हो जाएगा। बट ये है कि सेल्फ स्टडी किट के अंदर क्या है, आपको एक सिस्टमेटिक वे में सारी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसके अलावा टेस्ट मिल जाते हैं सारे के सारे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें समझ आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री श्याम।